तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलोन बड़ी और आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं, मतलब रिव्यू नहीं, हम आपस में उनको भिड़ाने वाले हैं। और आज हम बात करेंगे दो ऐसे प्रोडक्ट की जो कि कॉमन यूज़ के लिए होते हैं, और उसका जो रेट है और उसके जो प्राइसिंग है उसमें क्या डिफरेंस है और उसमें कितना अंतर है, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। आज का वीडियो होने वाला है भिड़ंत वाला, यानी कि दो कोकोनट ऑयल्स के बीच में। ये है कामा का आयुर्वेदा एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल और दूसरा हमारा है पैरासूट का ऑल लवेबल इंडियन, इंडिया के सबसे ज़्यादा जाना जाने वाला, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा, जिसे खा भी सकते हैं, वो कोकोनट ऑयल। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बात करते हैं इन दोनों के ज़्यादा डिफरेंस के बीच में। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं कि आप हमारे पास आज दो प्रोडक्ट हैं, एक है कामा आयुर्वेदा का एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक है और साथ में 200 ml का आता है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और उसी की जगह दूसरा है हमारा पैरासूट का 100% कोकोनट प्योर ऑयल। ये दोनों ही ऑयल हम अभी आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे कामा आयुर्वेदा ऑयल के बारे में। कामा आयुर्वेदा ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये काफ़ी एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑर्गेन ऑयल माना जाता है। साथ साथ 200 ml जो है वो तकरीबन आता है 895 रुपये में। तो ये जो कोकोनट ऑयल है इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट होता है मोस्टली वो है एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी कि जो आपका कोकोनट होता है उससे बनाया जाता है। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि कोकोनट जो एक्स्ट्रा ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है, और इसमें कामा एक्स्ट्रैक्ट वर्जिन कोकोनट ऑयल इज़ एन 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विदाउट एनी सिंथेटिक एंड फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड ETC। कोकोनट ऑयल नेचुरली कंडेंसन एज अ नर्सरीज डैमेज हेयर एंड अन आइडियल मॉइस्चराइजर फॉर योर बॉडी। इट्स मेक द स्किन स्मूद एंड इवन टेक्सचर्ड, हाईली रिकमेंडेड फॉर अ बेबी मसाज। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड है वो भी बेबी मसाज के लिए, यानी ये मसाज ऑयल माना जा सकता है इसको। और इसमें लिखा है कि इसको डायरेक्शन कैसे हेयर पे लगाना, जेंटली मसाज इनटू अ स्कैल्प, अलाउ इनटू अ वर्क फॉर्म अ 30 मिनट्स क्लींस पोस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट विद अ कामा आयुर्वेदा का हेयर क्लींजर। यानी कि बाद में इसको आप कामा हेयर आयुर्वेदा का जो हेयर क्लींजर आता है उससे ही क्लीन करें। इसमें लिखा है बॉडी मसाज को जेंटली ऑल ओवर योर बॉडी, अलाउ इट वर्क्स फॉर 30 मिनट्स क्लीन पोस्ट ट्रीटमेंट विद द कामा सोप फ्री बॉडी क्लींजर उपटन। अब इसको जो क्लीन करना है वो भी इन्होंने साथ साथ में थोड़ा सा मार्केटिंग कर दी है। कामा का जो है आपका बॉडी क्लींजर आता है जो उपटन बेस्ड है, उसका इस्तेमाल करना है इसको क्लीन करने के लिए। इसका जो रेट है वो 895 रुपये है 200 ml का, और इसमें आपको साफ साफ लिखा गया है कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, कीप आउट ऑफ द ईच ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड अवॉइड कॉन्टेक्ट विद आईज, इफ कॉन्टेक्ट अकोर रेंज विद द कोल्ड वाटर एंड स्टे इन अ कोल्ड ड्राई प्लेस। मतलब इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये एक एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, यानी कि मसाज के लिए है ये कामा आयुर्वेदा का जो कोकोनट ऑयल है। इसे आप बच्चों से दूर रखें, इसे आंखों में ना लगाएं। इसको आप अगर आंखों में लग जाता है तो उसे अच्छे से ठंडे पानी से आप इसे धोएं, उसके बाद में ठंडी जगह पे बैठ जाएं ताकि आपकी आंखों में कोई जलन ना हो। ये है कामा आयुर्वेदा का जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल है। इसको साफ साफ मना किया है कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, इंटरनल यूज़ के लिए नहीं है। इसका इस्तेमाल केवल आप एक्सटर्नल यूज़ के लिए कर सकते हैं, और इसकी कॉस्ट 895 रुपये के समथिंग आती है 200 ml की। अब हम बात करते हैं हमारा सबका फेमस जो कि हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं, ये है मात्र 20 रुपये में, और इसकी जो क्वान्टिटी है 45 ml है। अगर इसकी अगर आप देखा जाए तो इसका अगर 1 लीटर के पाउच अगर आप लेंगे तो शायद 300 350 400 तक के रेट में आपको 1 लीटर मिल जाता है, जबकि ये आपका सिर्फ 200 ml 800 रुपये का आ रहा है। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि इस ऑयल के ऊपर साफ लिखा हुआ है कि इसको आप खा सकते हो, इसको आप एनीवेयर कहीं भी लगा सकते हो, आपके जलने पे, कटने पे, चोट पे। आप जैसे कि जानते हैं कि पैरासूट कंपनी जो बहुत ही पुरानी कंपनी है, और ये कंपनी हम बचपन से इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, हमने अपने जले में भी इसका इस्तेमाल करा है। जैसे अगर कोई बर्न सेशन हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि आप इसमें कोकोनट ऑयल लगाओ, पैरासूट का ऑयल दिया जाता है उस टाइम पे, अगर छिल जाता है, जल जाता है, और अगर कहीं पे भी आपको कहीं ऐसा बॉडी पे छाले भी हो जाते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है।
यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि इसको खाया भी जाता है, क्योंकि इसके ऊपर साफ लिखा हुआ है और इसकी जो वेबसाइट है उसमें लिखा हुआ है कि ये ईटेबल प्रोडक्ट है। मात्र 400 रुपये के अंदर ये 1 लीटर आ जाता है, तो इसका कंपैरिजन आप साफ समझ सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हैं, आप व्यूअर्स ज़्यादा जानते हैं कि आपको क्या सही है। आपको पैरासूट का जो ये 100% प्योर कोकोनट ऑयल पसंद है या नहीं, इसमें बेसिकली दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो कि आपका इसमें जो एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल है इसका होता है, मतलब विदाउट एनी एडिंग केमिकल, अगर इसमें एडिंग केमिकल नहीं है तो इस कोकोनट ऑयल को आप यूज़ भी कर सकते थे, पर इसमें लिखा हुआ है कि साफ साफ कि आप इसको बस एक्सटर्नल यूज़ के लिए करें। दोनों ही प्रोडक्ट कोल्ड प्रेस से ही बनते हैं, दोनों ही प्रोडक्ट को कोल्ड प्रेस प्रोसेस से निकाला जाता है। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल है और ये प्योर कोकोनट ऑयल है। प्योर कोकोनट ऑयल के अंदर इसमें आपको अनरिफाइंड ऑयल मिलता है, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल की जगह ये वर्जिन ऑयल होता है, और इसे विदाउट एनी प्रोसेसिंग यानी इसे फिल्टर नहीं किया जाता जो कि पैरासूट वाला है, और इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन जो ऑयल है इसको थोड़ा सा फिल्टर किया जाता है तब जाके एक्स्ट्रा वर्जिन प्योर बनता है। और जो हम 100% प्योर कोकोनट ऑयल जिसमें लिखा हुआ है साफ साफ, इसमें आप देख सकते हो कि ये इसको बिना रिफाइंड किए हुए इस्तेमाल किया जाता है, और ये दोनों ही कोल्ड प्रेस टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये प्राइस सिर्फ 20 रुपये के अंदर आता है आपका 45 ml, और अगर इसका 1 लीटर का बॉटल देखा जाए तो आपको 400 450 में पूरा मिल जाता है। अगर डिस्काउंट हुआ तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आपको वो मेरे ख्याल से 350 के रेट पे भी मिल जाएगा, और इस ऑयल को हम खा सकते हैं और मैं इसे आपको खा के भी दिखाऊंगा। तो आप दोनों को, आपको इन दोनों प्रोडक्ट का रिव्यू कैसा लगा? मेरी किसी भी प्रोडक्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा जस्ट उसके साथ में रिव्यू और ऑनेस्ट रिव्यू देने का मतलब था। ये मेरा रिव्यू है, किसी पे थोपा नहीं जाएगा, और किसी को मैं फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको करो। ये मैंने अपने अपने विचार रखे हैं इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और बाकी आप समझदार हैं, इस प्रोडक्ट को आप खा नहीं सकते और इस प्रोडक्ट को आप खा सकते हो, लगा सकते हो, और यहाँ तक इसे कुकिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है साउथ में। अब आपके लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर है आप जान के मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और आपने अगर इस्तेमाल पैरासूट का किया है तो कमेंट में बताइए, अगर आपने काम आयुर्वेदा का किया है तो दोनों का डिफरेंस और दोनों में फाइट में कौन जीतता है इसका रिजल्ट आप हम मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस ऑयल को बेसिकली हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं, इसको मैं अभी टेस्ट कर लेता हूँ। इसको हम खा सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर जो है वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं एक्स्ट्रा फैट ऐड करने के लिए, वो गुड फैट के तौर पे। मैंने इसको खाया, मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। ये सेम कोकोनट ऑयल है जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, और इन दोनों में डिफरेंस कैसा रहा वो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताना। जैसे आपने देखा कि मैंने पैराशूट का जो कोकोनट ऑयल है उसे खा के भी देखा, और ये ऑयल मैं बेसिकली अपने बालों में, दाढ़ी में और फेस की मसाज पे काफ़ी टाइम से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ। और ये जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल जो कामा का है, मैंने बस रिव्यू के लिए खरीदा था, 800 रुपये का था, जेब अच्छी खासी ढीली हो गई, पर मेरे पास 20 रुपये ही बचे थे, तो मैंने ये 20 रुपये का कोकोनट पैराशूट ऑयल लिया जो कि मैं हमेशा से इस्तेमाल करता था। 1 लीटर कम से कम आ जाता है 450 के आसपास में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और दोनों के अगर आपको रिव्यू अच्छे लगे हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके आपको कैसा फ़ायदा लगा है और कितना अच्छा है प्रोडक्ट, आपको कौन सा लगता है कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं दोनों में से उसके बारे में भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, कीप वॉचिंग सलोन बॉडी।